नमस्कार, मैं अंजू। आज हम देखेंगे कि योग क्या है और योग की परिभाषाएं क्या क्या हैं। देखिए, योग संस्कृत की युज धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मिलना, जोड़ना या संयुक्त होना। सार्वभौमिक शक्ति परमात्मा, शारीरिक शक्ति आत्मा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन ही योग है। योग शब्द वेदों, पुराण, उपनिषद और गीता में देखा गया है। अब हम देखेंगे कि योग को अलग अलग ग्रंथों में कैसे अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे श्रीमद् भगवद् गीता जी के अनुसार योग की परिभाषा क्या है। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। यह श्लोक श्रीमद् भगवद् गीता जी के दूसरे अध्याय का 48 श्लोक है। इस श्लोक का अर्थ है, श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सफलता असफलता के बंधन को त्याग कर समभाव में स्थित हुआ अपना कर्म कर, यह समता की स्थिति ही योग है। समभाव क्या होता है? समभाव होता है सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब स्थितियों में समान रहना ही समता की स्थिति होती है। अब सेकंड श्लोक है, बुद्धि युक्तो जहाति ही उभे सुकृत दुष्कृते तस्मागुगाय युजस्व योग कर्मशु कौशलम। यह श्लोक श्रीमद् भगवद् गीता जी के दूसरे अध्याय का 58 श्लोक है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन से क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, जो समबुद्धि युक्त मनुष्य होता है वह अपने पाप और पुण्य को इस दुनिया में समाप्त कर देता है, अर्थात अपने पाप और पुण्य से मुक्त हो जाता है। इसलिए तू भी समता युक्त जीवन व्यतीत कर और अपना इच्छा रहित होकर अपने कर्म को कर, यही इसीलिए इसमें कहा गया है योग है कर्मशु कौशलम, अर्थात इच्छा रहित कर्म करना ही योग है। अब तीसरी परिभाषा देखते हैं। तीसरी परिभाषा में योगश्चित वृत्ति निरोध है। यह परिभाषा पातांजल योग सूत्र की परिभाषा है, जो सूत्र नंबर 2 है। पातांजल योग सूत्र में 195 श्लोक है, ठीक है। इसमें महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। इसमें 4 शब्द दिए गए हैं, योग, चित्त, वृत्ति, निरोध। अब इनको हम थोड़ा अलग अलग करके देख लेते हैं कि महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि योग एक अनुशासन है जो हमारे शरीर, इंद्रिय, मन को अनुशासित करता है, ठीक है। उसके बाद चित्त के विषय में क्या कहते हैं, चित्त कहते हैं कि चित्त वासनाओं का पुंज है। इसमें हमेशा वासनाएं उठती रहती हैं। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे जन्मों के कर्म संस्कार विद्यमान होते हैं, इसीलिए इसको वासनाओं का पुंज कहा है और इसलिए हमारा मन चंचल रहता है। लेकिन चित्त चैतन्य आत्मा चित्त से परे है और इसका ज्ञान हमें तब तक नहीं होता जब तक इन चित्त की वृत्तियों का निरोध नहीं होता। जिस प्रकार बहते हुए पानी में यदि आप अपने प्रतिबिंब देखना चाहते हैं और पानी में लहरें उठ रही हैं तो आप अपना प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं देख पाओगे, क्योंकि पानी की लहरें शांत जब हो जाएंगी तभी आप अपना प्रतिबिंब स्पष्ट देख सकते हो। यही इसी तरीके से आप अपने चित्त की वासनाओं से कोरिलेट कर सकते हो कि जब तक हमारे चित्त में वासनाएं हैं तब तक हमारा चेतना से हमारा हमें चेतना का ज्ञान नहीं हो सकता है, ठीक है। आप देखते हैं वृत्ति। देखिए, चित्त की वृत्तियां हैं, उनकी जो प्रकार है वो 5 प्रकार की होती है, यानी कि उनकी 5 अवस्था होती है, जैसे सुप्त, मूड, विषुप्त, एकाग्र और निरुद्ध। इनका वर्णन, इनको हम विस्तार से किसी और वीडियो में देखेंगे। अभी हम इतना ही देख लेते हैं कि वृत्तियां हमेशा बहिर्मुखी होती है, ये हमेशा संसार की ओर भागते हैं, इसलिए हमारा मन हमेशा चंचल रहता है। इसलिए महर्षि पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध होना आवश्यक है। जब चित्त की वृत्तियों का निरोध होगा तभी चैतन्य आत्मा का
अनुभव हो पाएगा। इसी चित्त की वृत्तियों को, निरोध को अमनी अवस्था भी कहा गया है और इसी को कबीर दास ने सुरति भी कहा है। इसी अवस्था में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है और इसी अवस्था में चैतन्य आत्मा का ज्ञान होता है और इस अवस्था में दृष्टा या साधक केवल दृष्टा या साक्षी की अवस्था में होता है। उसे किसी और चीज का, बाहरी कोई और चीज का भान नहीं रहता है। ठीक है, अब हम देखेंगे महर्षि याज्ञवल्क्य के अनुसार। महर्षि याज्ञवल्क्य क्या कहते हैं, संयोग योग इत्युक्तो जीवात्मा परमात्मनो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा का संयोग ही योग है। ठीक है, और स्वामी रामकृष्ण परमहंसी कहते हैं कि ईश्वर की शाश्वत और अखंड ज्योति के साथ अपनी ज्योति का मिलन होना या अपनी ज्योति को मिला देना ही योग है। शाश्वत क्या होता है, शाश्वत होता है जिसको कभी बदला ना जा सके। जैसे सूर्य पूर्व से निकलता है, इसको कभी बदला नहीं जा सकता, यह एक शाश्वत सत्य है। जैसे हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है, यह भी एक शाश्वत सत्य है। ठीक है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग क्या है, हठयोग प्रदीपिका के अनुसार योग एक समाधि है और यह समाधि कब प्राप्त होती है, समाधि जब जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है और मिलन होने पर साधक के सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, तो यह अवस्था समाधि की अवस्था होती है। सो आज हमने योग का अर्थ और योग की परिभाषा ही देखी। आई होप आपको यह समझ आया होगा। यदि इससे रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। आज इतना ही, थैंक यू, नमस्कार।